गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरेटिनोइड एंड एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस टू स्टेप में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इसके बारे में थोड़ा सा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी जान लिया था कि जो लाइट रिएक्शन है वो थाइक्लोइड रीजन के अंदर एंड डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होती है। इसकी पोजीशन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन की कई बार नीट में पूछी गई है। तो थाइक्लोइड में लाइट रिएक्शन ग्रेना भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि जो पूरा स्टैक बन जाता है कॉइंस का उसे क्या कहते हैं, ग्रेना। तो लाइट रिएक्शन अगर करती है उसमें, आज हम इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है। तो हमें पता है बेटा लीफ की मीजोफिल सेल की क्लोरोप्लास्ट लैमेली ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल में कुछ क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे थाइक्लोइड कहते हैं। वहाँ लाइट रिएक्शन अकर करती है। क्यों अकर करती हैं वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, डिफरेंट तरह के पिगमेंट जो 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं और उस एनर्जी से एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। कैसे? ये थाइक्लोइड स्ट्रक्चर हैं। थाइक्लोइड स्ट्रक्चर को डिटेल में बना रहे हैं हम यहाँ पर। थाइक्लोइड स्ट्रक्चर हमें पता है सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, फास्फोलिपिड की डबल लेयर होती है कुछ इस तरह से। तो इस थाइक्लोइड मेम्ब्रेन में टू सिस्टम फिट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, फोटोसिस्टम टू एंड फोटोसिस्टम वन इस तरह से होते हैं। थाइक्लोइड की मेम्ब्रेन में, और ये जो अंदर का पार्ट है ये कहलाता है थाइक्लोइड का ल्यूमन। क्या कहलाता है? थाइक्लोइड ल्यूमन। इसे फोटोसिस्टम टू कहा जाता है एंड इसे फोटोसिस्टम वन कहा जाता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है किसका, थाइक्लोइड का। लीफ के अंदर मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल में थाइक्लोइड लैमेली प्रेजेंट होती है। उस थाइक्लोइड लैमेली के अंदर टू सिस्टम मौजूद होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट रिएक्शन करते हैं, PS2 फोटोसिस्टम टू एंड फोटोसिस्टम वन। फोटोसिस्टम टू एंड फोटोसिस्टम वन को इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है बेटा। फोटोसिस्टम वन की डिस्कवरी पहले हुई थी और फोटोसिस्टम टू की बाद में। अब पढ़ते हैं ये फोटोसिस्टम क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं ये फोटोसिस्टम टू एंड फोटोसिस्टम वन इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। और जो अंदर की स्ट्रक्चर है
स्पेस है वो कहलाता है थाइक्लोइड का ल्यूमन, थाइक्लोइड का ल्यूमन। ये फोटोसिस्टम टू अपने सेंटर में रखता है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर, और साइड में प्रेजेंट होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ऐसा ही PS1 में होता है रिएक्शन सेंटर एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क ये है बेटा कि PS2 680 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है एंड PS1 700 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो लाइट सन के एनर्जी को, फोटोन पार्टिकल को कैप्चर करते हैं और ATP की सिंथेसिस करते हैं। इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कल हमने पढ़ा था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं कैरेटिनोइड, जैंथोफिल, क्लोरोफिल बी, एंड सेंटर के अंदर टू मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ए के मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल ए के। तो ये सभी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सन की रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन फोटोन पार्टिकल को कैप्चर करते हैं, कैप्चर करते हैं, कैप्चर करके एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में आकर के फिर से डाउन आके एक दूसरे को इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, और फिर सभी मिलकर के ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं क्लोरोफिल ए को, क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल को दे देते हैं। एंटीना मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, एनर्जी गेन करता है, एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और ये एक्साइटेड स्टेट में आकर के जब प्रॉपर पोजीशन पर जाता है तो वहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है, कौन होता है? प्लास्टोक्विनीन। प्लास्टोक्विनीन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन फिर से इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है? PS1 को। PS1 में इसी तरह से रिएक्शन सेंटर और क्लोरोफिल ए के दो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वो हायर एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, वहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है फेरिडोक्सिन को, और फेरिडोक्सिन जब स्ट्रोमल लैमिली के पास जाता है इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो वहाँ पर मौजूद होता है NADPH सिंथेटेज, और NADP से फॉर्म हो जाता है NADPH। H पॉजिटिव आया है स्ट्रोमल लैमिली से, कहाँ से आया है? स्ट्रोमल लैमिली से, और NADPH सिंथेटेज की हेल्प से NADPH की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये तो था बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे पास हुए एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। तो ये पाथवे चला पूरा, ये पाथवे चला जिसमें लाइट फोटोन पार्टिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन गेन किए गए और पास कर दिए गए PS1 तक। अब बात यह आती है कि जो PS2 है उसने इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू किसको दे दिया? PS1 को। तो PS2 में तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब क्लोरोफिल ए के तो सारे फोटोन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन चले गए,
आप क्लोरोफिल ए के पास डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो ये पाथवे टूट जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। यहां पर ल्यूमन के अंदर जो वाटर है, जो PS2 है, वो वाटर की हाइड्रोलाइसिस करता है, जिसे कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और ऑक्सीजन भी रिलीज की जाती है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन प्लस यहाँ से जितनी भी हाइड्रोजन निकलती है, वो सारी आ करके ल्यूमन में इकट्ठी हो जाती है बेटा, इस तरह से थाइक्लोइड के ल्यूमन में इकट्ठी हो जाती हैं। और ये थाइक्लोइड के ल्यूमन में इकट्ठी हो जाती हैं, जबकि बाहर की तरफ हाइड्रोजन प्रोटॉन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, जिसे प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स की वजह से थाइक्लोइड के बाहर की तरफ एक और कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, F0 and F1। ये सभी एच प्रोटोन को गेन करता है, और विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेटेज एंजाइम ATP की प्रोडक्शन करता है। वही मेन फंक्शन था लाइट रिएक्शन का। तो ये थी बेटा आपकी लाइट रिएक्शन। रिपीट करते हैं इसको। लाइट रिएक्शन कहाँ कर करती है? मीजोफिल सेल की क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल में फ्लैट और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, जिसे थाइक्लोइड कहते हैं। थाइक्लोइड स्ट्रक्चर में फास्फोलिपिड बाई लेयर के बीच में 2 सिस्टम मौजूद होते हैं, जिसे फोटोसिस्टम कहते हैं, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। ये फोटोसिस्टम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर रखते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सन की रेडिएशन से फोटोन पार्टिकल्स को गेन करता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, फिर डाउन में आ जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और फिर दे देता है एंटीना मॉलिक्यूल को, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए को एनर्जी मिल गई, वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। क्लोरोफिल ए एक्साइटेड स्टेट में आकर के अब यहाँ पर ये डाउन नहीं आता इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ कोई मौजूद है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, पहले से खड़ा है कि मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो वो ले लेता है इलेक्ट्रॉन को, जिसे क्या कहा गया, प्लास्टोक्विनीन। प्लास्टोक्विनीन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनीन से फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे दिया गया PS1 में। PS1 से इलेक्ट्रॉन NADPS सिंथेसिस में काम आ जाता है। तो बात आती है इस PS1 को, तो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन मिलते रहते हैं इससे, यहाँ से भी मिलते रहते हैं, बट PS2 में तो डेफिशिएंसी आ गई इलेक्ट्रॉन की, कहाँ से लाएगा? तो यहाँ साथ की साथ वाटर की लाइसिस चलती रहती है, जिसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरोफिल ए भी अपनी चेन को कंटिन्यूअस रखता है। अब क्या होता है बेटा, इस पूरे ETS से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या बेनिफिट हुआ? हाइड्रोजन प्रोटोन इकट्ठे हो गए हैं, कहाँ, थाइक्लोइड के ल्यूमन में, जबकि स्ट्रोमा में प्रोटॉन नहीं है इतने, जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों तरफ, और इस डिफरेंस से एक फोर्स जनरेट हुआ, जिसे कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और इस फोर्स ने थाइक्लोइड की मेम्ब्रेन पर अपोजिट साइड में एक कॉम्प्लेक्स मौजूद था, जिसे ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसने इन सारे प्रोटॉन को गेन किया ATP सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से।
किसकी फॉर्मेशन कर दी, एटीपी की। यही एटीपी डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा लैमेली में CO2 को फिक्स करने के काम आएगी और क्या बना देगी, ग्लूकोज। ये था आपका लाइट रिएक्शन जो कहाँ होती है, थाइक्लोइड में, Photosystem 1 और Photosystem 2 की हेल्प से। अब बात आती है कि क्वेश्चन क्या आता है इसमें। नीट में क्वेश्चन आता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कौन करता है, PS2 एंड PS1, ओनली PS2, नोट PS1, PS1 नहीं करता। सेकंड बात आती है NADPS सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहाँ मौजूद है, किसके पास मौजूद है, PS1 के पास, ना कि PS2 के पास। कौन सा फोर्स ATP जनरेट करता है, प्रोटोन मोटिव फोर्स। कहाँ इकट्ठे होते हैं सारे प्रोटोन आकर के, थाइक्लोइड के ल्यूमन में। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है PS2 का, प्लास्टोक्विनीन। साइट बीच में सेंटर में कौन पास करता है यहाँ तक, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट प्लास्टोसाइनिन, और यहाँ पर क्या मौजूद है, अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अभी तक इसकी डिस्कवरी नहीं हो पाई है कि ये कौन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है। इससे रिसीव करता है फेरेडोक्सिन, फेरेडोक्सिन फिर रिड्यूस करके NADPH की फॉर्मेशन कर देता है। ये NADPH आगे काम आता है CO2 को फिक्स करने में। ये था आज का टॉपिक लाइट रिएक्शन। थैंक यू।